प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। इसमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, करने के लिए सीखेंगे। प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, मूल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये होता है हमें इस द्विघात समीकरण में से एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और द्विघाती सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, तीन पद हैं। इसको हल करने का तरीका क्या है, पहला पद और तीसरा पद को मन ही मन आप गुना कर लीजिए। एक्स स्क्वायर को 10 से गुना करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10x स्क्वायर। क्लियर? इसमें होता क्या है कि हम क्या करते हैं, पहले वाले पद को ऐसे ही उतार लेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस ही रहने देंगे, और इसमें ये दूसरा पद है इसको गुणनखंड करना पड़ता है, यानी इसको दो भाग में बांटना होता है। तो इस 3 के जगह पर दो संख्या लिखेंगे, 3 के जगह पर दो संख्या लिखेंगे। अब यहाँ देखिए माइनस है तो ये माइनस भी यहाँ दे दिए, ये 10 है तो 10 भी यहाँ दे दिए, बराबर 0 दे देंगे। क्लियर? अब 3 के जगह पर दो संख्या लिखना है, हमें ऐसा संख्या लेना है जो दो संख्या लेंगे उसका अंतर 3 होना चाहिए। उस दो संख्या का अंतर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और गुना करने पर इस 10 के बराबर होना चाहिए। जरा सोचिए, अब यहाँ पर 3 कैसा होना चाहिए, घटा के होना चाहिए, क्योंकि इसका पद ये माइनस है और यहाँ पर सॉरी एक्स होगा, ये एक्स छूट गया, ये माइनस है तो यहाँ तीसरा पद का माइनस है तो यहाँ घटा कर हम ऐसा संख्या लेंगे, तो बताइए कौन सा होगा। तो 5 में से यदि हम 2 घटाएंगे, सॉरी 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 5 और 2 का अंतर 3 हो गया, 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी इस दोनों संख्या का गुणनफल इस दोनों पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इस माइनस से 5 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, इस एक्स से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x - 10 = 0। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन कैसे लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे यहाँ एक्स माइनस 5 बचेगा। अब बहुत बच्चों के कॉमन लेने नहीं आता है, इसके लिए मैं समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुना एक्स, और 5x का मतलब हुआ 5 × x, दोनों में x मिल गया, जो दोनों में मिलता है उसी को कॉमन लिया जाता है। अब ठीक उसी प्रकार इसमें भी, अब यहाँ देखिए 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × x, और 10 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5, दोनों में 2 मिल गया तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, देखिए x बच गया, -5 = 0। अब यहाँ देखिए x - 5 ये दोनों में है, इसलिए इसको हम हटा लेंगे, यदि कॉमन ले लेंगे तो हमें बचेगा x + 2, और यहाँ बचेगा x - 5 = 0, दोनों के बराबर में हमें 0 लिखना है, x + 2 = 0, x - 5 = 0। तो x = हो जाएगा -2, 2 इधर लेफ्ट साइड में है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा, यहाँ x = 5, ये माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, यही दोनों इसका मूल हो गया, यानी x - 2 और 5, ये दो आंसर हो गए। अब इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।